नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। नोटबंदी का एक महीना पूरा हो गया है, लेकिन इससे शुरू हुई परेशानियां अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के गाजियाबाद से विधायक सुरेश बंसल जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। नोटबंदी का आज एक महीना पूरा हो गया है, लेकिन इससे उत्पन्न परेशानियां अब तक कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में गाजियाबाद विधायक सुरेश बंसल ने मोदी जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी जी का फैसला एकदम गलत है। ये एक ऐसा फैसला है जिसकी वजह से हमारी माताएं बहनों को लाइनों में घंटों लगना पड़ रहा है और उसके बाद भी उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। सर, मोदी जी का जो फैसला आया था 1500 के नोटबंदी का, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया, ये इतना खराब फैसला है, इसने तो सभी लोगों को लाइन में लगा दिया। बहन बेटियों को, हमारी माता को, बहनों को, गरीबों को, सबको लाइन में लगा दिया। और आज लोग परेशान है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, हमारा पैसा बैंक में जमा है, हम ही को नहीं मिल रहा। और बार बार पॉलिसी बदलते हैं, कभी कहते हैं 4000 मिलेगा, कभी कहते हैं 10000 मिलेगा। अब 24000 का नियम है, एक हफ्ते में आप 24000 निकाल सकते हैं, वो 24000 भी नहीं मिलता। बैंक वाले कहते हैं पैसा ही नहीं आया। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, जब शाम को नंबर आता कहते हैं कैश खत्म हो गया। अराजकता का माहौल इसने पैदा कर दिया, लोगों को घर चलाना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कार्य प्रणाली को अच्छा बताते हुए कहा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से गरीबों का कद बढ़ा है और एक दलित आम नागरिक की तरह जी रहा है। सुरेश बंसल जी ने कहा कि बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है, जिसके तहत देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और दलितों को वोट देने का सम्मान मिला। उन्होंने कहा, दलितों को ये जो वोट देने का अधिकार है और दलित परिवार उनका गुणगान कर रहे हैं, बाबा साहब की वजह से दलितों को सम्मान मिला और बहुत से अधिकारों पर काम करने का मौका दिया जाता है। बाबा साहब ने को सबसे पहले तो हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान दिया है, जिसके हिसाब से इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई है। और आज बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, उसी की वजह से तो आज जितने विरोधी दल हैं जो कभी बाबा साहब को नहीं मानते, आज सब उनका गुणगान कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करते हुए सुरेश बंसल ने कहा कि 2017 में बसपा सत्ता में आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। उन्होंने कहा कि 2017 में बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी और सबसे पहले सत्ता में आते ही गरीबों दलितों की मदद करेगी, साथ ही यूपी से गुंडा राज खत्म करेगी। आज की पुलिस अपने काम को सही से नहीं कर रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में गुंडा राज कायम हो गया है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। बहन मायावती जी के राज में पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे, चारों तरफ से शोर है कि बहन मायावती जी आ रही हैं और वो आएंगी, इसलिए आएंगी, उन्होंने सबने शासन कहा है। बहन जी के शासन में न्याय का शासन था, जो अपराधी थे वो प्रदेश से बाहर थे या जेलों में थे। और आज स्थिति क्या है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, गरीब लोगों के प्लॉटों पे कब्जे हो रहे हैं, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी भाईचारा था, आपसी भाईचारा, वो इन लोगों ने समाप्त करा दिया। भाई, गुंडा राज तो यही सभी को दिख रहा है, गरीब लोगों के प्लॉटों पे कब्जा हो रहे हैं। आप रोज अखबार नहीं पढ़ते कि वहाँ लूटिंग हो गई, वहाँ कत्ल हो गया, ये सब है, सभी को मालूम है। आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष में गाजियाबाद के नवीक मार्केट में रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे यहाँ के विधायक, बसपा विधायक सुरेश बंसल। तो फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।